फरवरी में होने वाले G20 को लेकर ट्रैफिक रूट तैयार कर लिया गया है। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि फरवरी में G20 सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें जो मेहमान आएंगे उनको किसी भी तरीके से परेशानी ना हो, उसको लेकर ट्रैफिक रूट तैयार किया जा चुका है। कितने पुलिस फोर्स की हमें उस समय ज़रूरत पड़ेगी, उसकी जानकारी उच्च अधिकारी को बता दी गई है। देखिए, G20 के का जो डेलीगेशन आ रहा है फरवरी में, तो वो जिस रोड से गुजरेगा वहाँ ट्रैफिक की कोई कंजेशन नहीं है। ख़ास तौर पे हार्वर्ड प्लाजा से लेके और TDI माल तक जो मेट्रो का काम चल रहा था वो भी अपने अंतिम दौर पे है, तो वहाँ जो थोड़ा बहुत ट्रैफिक की समस्या हो जाती थी वो भी नहीं है। हम लोगों ने ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है, कितने फोर्स की हमें आवश्यकता होगी उसका आकलन कर लिया गया है, उच्च अधिकारियों से संबंध में वार्ता हो गई है, और G20 का जो डेलीगेशन आएगा तो उसके अवसर पे ट्रैफिक और सिविल पुलिस दोनों के तरफ से, पुलिस के तरफ से कमिश्नरेट आगरा पुलिस के तरफ से बेहतरीन व्यवस्था की जाएगी। सर, अवैध रूप से जो ऑटो वाले हैं, बस वाले हैं, खड़े कर देते हैं, और जो मेहमान जो आएंगे G20 को लेकर, उन लोगों पर किस तरह से कार्रवाई हुई जो अवैध रूप से वाहन बीच चौराहों पर खड़े करते हैं? आपको जानकारी में आ गया होगा, दिसंबर में ऑटो का स्टैंड का ठेके हो गए हैं नगर निगम द्वारा, और उनको नगर निगम द्वारा और हम लोगों द्वारा व्यवस्थित कराया जा रहा है। अवैध वाहनों की किसी प्रकार की कोई समस्या या अवैध अतिक्रमण की किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी।